फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड की। प्रोसाइक्लिडीन एक्चुअली ड्रग है और हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि सॉल्ट फॉर्म में। इसको सॉल्टिफिकेशन इसका कर देते हैं तो प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में ये हमको ड्रग खाने को मिलती है। ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि एंटी स्पाजमोटिक और पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट में जो है हम लोग इसको देते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक पाइरोलिडीन रिंग होती है, ठीक है। एक हमारे CH2 ग्रुप में जो ब्रिज है, इस ब्रिज के किनारे पे हमारे पास एक क्या होता है, पाइरोलिडीन रिंग होती है। पाइरोलिडीन रिंग जो होती है वो नाइट्रोजन की फाइव मेंबर्ड एक साइक्लिक रिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाइरोलिडीन रिंग कहते हैं। और इस कार्बन के ऊपर एक क्या हुआ है, हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। लास्ट वाले कार्बन पे एक जो है वहाँ पर लगी हुई है हमारी बेंजीन रिंग और एक लगी हुई है हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग। ये बेंजीन रिंग मत बना दीजिएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो आइए इसकी सिंथेसिस करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी सिंथेसिस की जाती है। इसकी सिंथेसिस बहुत ही आसान है और सिर्फ दो स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों को तीन चीज़ें सबसे पहले चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है एस्टोफिनोन, ठीक है। एस्टोफिनोन लेना है हमको, फॉर्मल्डिहाइड लेना है और पाइरोलिडीन जो है वो तीनों को एक साथ लेकर के हमको इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और C2H5OH के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करानी है। तो जैसा मैंने हाईलाइट भी कर रखा है तो आपको भी क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये एस्टोफिनोन में से एक H, ठीक है, और हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका O और हमारे पाइरोलिडीन में का H, ये तीनों एक साथ जाएंगे और क्या निकाल देंगे, यहाँ से पानी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। और इस पानी के निकलने की वजह से सारा का सारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ से एक H और ये जो Cl है वो आयनिक फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसको भी हमको क्या करना है, जोड़ करके लिख लेना है। तो ये हो गया, यहाँ पर बेंजीन रिंग थी, यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, यहाँ पे CH2 था। अब ये H नहीं है और ये जो है CH2 जो है वो इसके साथ क्या हो गया, जुड़ दिया, क्योंकि ये सब कुछ निकल रहा है। तो ये यहाँ बचा जो है वो एक साथ लिख देना है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या था, N, और इस N के साथ जो है ये रिंग है, यानी कि ये N नहीं है, ये क्या है, पाइरोलिडीन रिंग है। तो पाइरोलिडीन रिंग बना दी यहाँ पे और इस H से जो HCl था हमारा, उस H से यहाँ पर एक H जो है वो मिल जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और जो है वो हमारा जो क्लोराइड आयन बचा था वो भी इसी के साथ रहेगा। तो ये हमारे पास एक जो है कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अब जो है अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बोनिल कार्बन अभी बना है, अभी अभी बना है जस्ट, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है अब अटैक करवाना है। तो इसमें ये भी जो है दो बार में होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन MgBr जो है एक तरीके का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको लेंगे और इससे रिएक्टन कराएंगे कहाँ पे, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जब आप इस पर अटैक कराओगे तो ये जो आपका कार्बन है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये जो पूरा का पूरा आपका रिंग है साइक्लोहेक्सेन रिंग, ये अटैच हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। इसको अटैच करा देंगे। दूसरे स्टेप में, अब इसको बना नहीं रहे स्टेप बाई, इसको दूसरे स्टेप में देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एच प्लस आयन आएंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमको, हमारी ड्रग जो है वो मिल जाएगी। तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बेंजीन रिंग थी जैसी थी वैसे ही लगा लिया। इस कार्बन के ऊपर हमने क्या कहा कि MgBr में से जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये आ जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया और इस O पे एक H यहाँ इस HCl से आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH। बाकी सारा का सारा जैसे था वैसे के वैसे हमको क्या लिख देना है, इसको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये पाइरोलिडीन रिंग हो गई, इस पे ये हाइड्रोजन था, इसके ऊपर प्लस चार्ज था और यहाँ पे क्या था, क्लोराइन। यही जो आपका स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि HCl है यहाँ पे, इसलिए इसको प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड कह रहे हैं। इसका जो यूजेज है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इट इज़ ए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, यानी जो कोलिन के जो एक्शंस होते हैं उसको अपोजिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए किया जाता है, या पैरासिम्पैटो ब्लॉकिंग एजेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो है ये भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये हम लोगों के कई बार इसको जो है वो एंटी स्पाजमोटिक के तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी ड्रग, जिसकी सिंथेसिस बहुत ही आसान सी सिंथेसिस की, इसको आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी।
इस ड्रग के बारे में अगर कोई और आपसे आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।